कि जब वो फौजी अपनी नई नई फौजन को छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है और इसी तरह गेहूँ कट जाते हैं, सारी फसलें तैयार हो जाती कट जाती हैं और सावन का महीना आने को होता है, तो फौजन फौजी को एक चिट्ठी के द्वारा याद करती है और कहती कि फौजी छोड़कर तो चला गया है लेकिन शायद तुझे मेरी याद बिल्कुल नहीं आती। कैसे अपने फौजी को याद करती है, आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से बताया। आजा बाल में छुट्टी तू, हो इतनी देरी करे क्यों, अरे बेदर्दी मेरी नौजानी समझता है कि कोई पागल कहता है तो कोई दीवाना समझता है, इस धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है, और तू मुझसे दूर कैसा है फौजी, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, या तो ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और क्या कहती है पहली बात में, जोपन का चढ़ा रहे से नशन वेली पे, जोपन का चढ़ा रहे से नशन वेली पे, दिख सब कुछ देती वारे नार पिया, हो सब कुछ देती वारे नार पिया, मन के मेल पे हर दम देखू बाट तेरी मैं खड़ी हवेली पे, अरे एक बार मेरी तरफ भी देख ले मेरे फौजी, मेरी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। और क्या कहती है फौजन, कैसे बताया, कैसे? करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना।
से बादल घोरे से जा पे डरिल में बेभर से बादल घोरे से जा पे डरिल में अरे सपने में हंस बतरा के हाय सपने में हंस बतरा के लगचा में भरिल में आंख खुले तो भैया की सो जीती भरिल में फौजन के पास। कई दादा यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने चिट्ठी जरूर घेरी होगी अपने फौजन को। आइए आखिरी गली के माध्यम से वो फौजन क्या कहती है फौजी से कैसे अरे चिट्ठी तक ना वो चिट्ठी तक ना घेरी ऐसी ओके नाराजी से बुझ के हारे मतियो प्रेम की बाजी से जानबूझ के हारे मतियो प्रेम की बाजी से लिख वीर मर्द का मेल भाव है वीर मर्द का मेल भाव प्रेम रिवाजी से तू ही खटाना रामे सर सुख दुख का साजी से
पिया साजी अरे सोच पिया जी